हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो अपडेट लेके आया था, थोड़ा सा क्रूड के ऊपर लेके आया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अभी जो मोस्ट एक्टिव ऑप्शन में कॉल्स एक्टिव है, वो कमोडिटी में क्या क्या है। तो क्रूड ऑयल पे आप देखेंगे तो ये 41 अबव जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर लास्ट ट्रेड प्राइस 111 है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है अभी। और ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव जो है उसका 349 लॉट्स है ओपन इंटरेस्ट में। अंडरलाइन वैल्यू इसकी जो है 4084 पे क्लोज हुआ है। गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड का आपका ये 15 मार्च का था, 27 मार्च का गोल्ड का जो देखेंगे 34,000 का जो कॉल है उसमें देखेंगे वॉल्यूम तो अच्छी खासी हुई है उसमें। अब टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 38 वॉल्यूम हुई है, और ओपन इंटरेस्ट लॉट्स जो देखेंगे उसमें तो 383 का है, और जो गोल्ड क्लोज हुआ है उस वो है 33,495 पे। उसके बाद दूसरा जो देखेंगे गोल्ड में 34,000-33,500 की कॉल में भी जो उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 350, टोटल वॉल्यूम 30 का हुआ है, और इसमें देखेंगे तो आपने 64 का ओपन इंटरेस्ट जो लास्ट क्लोजिंग में दिखा रहा है। तो मैं क्रूड पे मैंने देखना चाह रहा था, तो क्रूड के कॉल पे देखेंगे तो 4100 के कॉल पे 349 का, 550 लास्ट ट्रेड 111 है, 42 के जो देखेंगे 67 रुपया है, और 155 के इसमें टोटल है ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मैं 4300 पे देखूं तो यहाँ पे कॉल में 132 का है। वही मैं अगर पुट में देखूं तो क्रूड में आप देखेंगे पुट में भी डील हो रहा है। पुट के 4000 के पुट पे आप देखेंगे जो इसकी प्राइस है 79, 676 ओपन इंटरेस्ट ओपन है। और वही क्रूड के देखेंगे आप 3900 पे भी तो 525 का ओपन इंटरेस्ट लॉट्स ओपन है। और क्रूड के दूसरे 4100 पे देखेंगे तो 276, और क्रूड के 3800 के पुट ऑप्शन को देखेंगे तो वहां पे 443 की वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट ओपन है। तो क्रूड में अगर जाकर के मैं एक बार क्रूड में ओपन कॉल पुट के रेशियो पे देखूं तो कॉल पुट में क्या दिख रहा है कि कॉल के साइड में, पुट के साइड में आप देखेंगे शॉर्ट अच्छा खासा चल रहा है, देखिए रेड बन रहा है पूरे तरह। और कल 4050 पे आप देखेंगे तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट है, प्लस हुआ है, प्राइस प्लस हुआ है, तो शॉर्ट नहीं हुआ है लेकिन वहां वॉल्यूम नहीं है। तो आपका जो सपोर्ट है वो 4000 के आसपास 676 का, और 3900 पे 525 का, मैंने 4100 पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन बन रही है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है आपको, आप देखेंगे जो चेंज इन ओपिनियन टेस्ट हो रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी चेंज इन ओपिनियन से 4100 पे भी इसको शॉर्ट किया जा रहा है फ्रेश। तो कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है कि ये 4150 और 4200, तो 4200 पे अच्छा खासा है यहाँ पे, पहले तो 4100 पे इसको रेसिस्टेंस भी है। और अगर एट द मनी देखें जो 4084 है, तो एट द मनी अगर हम देखें तो 4084 है, तो हम 4050 को देखें, 4100 को देखते हैं, तो 4100 में क्या हो रहा है कि आपके जो 50 पॉइंट का एडिशन हो रहा है, 50 लॉट का एडिशन हो रहा है, और 350 की टोटल ओपन इंटरेस्ट है और प्राइस में एडिशन हो रहा है। वहीं यहाँ पे देखें तो 93 पॉइंट का एडिशन हो रहा है, 276 का क्यूमुलेटिव, और यहाँ प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, मीन्स 4100 पे भी शॉर्टिंग चालू है। इसका मतलब है क्रूड में अपसाइड देखने को देखा जा सकता है, बट कहीं ना कहीं 4000 पे इसका सपोर्ट अच्छा खासा है, क्रूड को 4000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो क्रूड में हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए 4200 तक का भाव देखने को मिल सकता है। ये WTI क्रूड है, आप या देख सकते हैं क्रूड ऑयल का जो अंडरलाइन वैल्यू 4084 चल रहा है। आप क्रूड ऑयल DTY यहाँ पे देखिए, ये क्रूड है, क्रूड ऑयल WTI फूड जो जहाँ पे 4084 की क्लोजिंग दी है इसने, 4085 की क्लोजिंग दी है। और अगर मैं इसको वॉल्यूम भी देखूँ, ये देखिए वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा है यहाँ पे, ये देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा है यहाँ पे शो कर रहा है, हर जगह वॉल्यूम के साथ इसको बाइंग हो रही है। तो क्रूड एक बार हो सकता है कि यहाँ से जंप ले आपको, और एक बार ये ऊपर की ओर दिखा सकता है। और अगर मैं इसके बोलिंगर बैंड्स को दिखाऊँ आपको, ये देखिएगा ये मिडिल लाइन जो इसकी है, बोलिंगर जो की है इसके 3534 सॉरी जो इसके 3992 माने एकदम एग्जैक्ट है, वहीं उसके ऊपर 4085 पे ये क्लोजिंग दे रहा है। तो जब तक ये 4000 का इसका सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है 4000 का, तो 4000 तक का सपोर्ट लेकर के हो सकता है ये एक बार ऊपर की ओर ट्राई करे, और एक बार ये 5135 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से क्रूड में एक बार बाइंग पोजिशन बनती है शॉर्ट टर्म के, मैंने थोड़ा सा अभी कुछ अप टू मार्च के लिए, जो कमिंग वीक्स में या उसके 15 डेज के लिए लगता है यहाँ से क्रूड एक बार ऊपर की ओर जाकर के दिखा सकता है 4000 पे, इसको अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखता है क्योंकि बोलिंगर बैंड्स के मिडिल साइज पे से ऊपर की ओर है। तो
4000 के सपोर्ट से चाहे कोई भी तो 4000 का सपोर्ट रहेगा और वहां पे क्रूड में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और 4000 अगर नहीं भी लेते हैं तो एक बार 3950 का, 3950 का जो इसका है, 39 लो इसका 3651 है, तो 3651 के से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। इस कैंडल के जो लो है, इस कैंडल का लो या अपसाइड भी अगर लेना है आपको कम है तो 3950 लें, या लॉन्ग टर्म में 36, अगर लॉन्ग टर्म से हैं तो 3650 के स्टॉप लॉस से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। क्रूड एक बार ऊपर की ओर जा सकता है। आप देखेंगे ऑलरेडी क्रूड यहाँ से ऊपर की ओर जा चुका है यहाँ से, और यहाँ पे जो अपने इस पोजीशन को भी क्रॉस करते हुए आगे की ओर निकल रहा है और बोलिंगर बैंड के, ये बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे डेली बेसिस पे भी अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो ये डेली बेसिस पे देखिए ये अपने टॉप पे, मीन्स ये जो टॉप इसका 4127 वहीं पे है। आइदर यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर ये तो क्रॉस करेगा या नीचे की ओर जाएगा, तो किसी भी हालत में 3900 का, 3900 या डेली बेसिस पे 3879 आता है, तो 3890 के स्टॉप लॉस से 3890 का स्टॉप लॉस लगाइए। आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म छोड़ दीजिए, तो 3890 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसमें बाइंग पोजीशन ऊपर की ओर बना सकते हैं। अगर 3890 क्रॉस नीचे जाता है तो एक बार ये नीचे की ओर आपको दिखा सकता है। डेली बेसिस पे यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉलिंगर बैंड सुपर है, लेकिन अगर मैं वीकली बेसिस पे इसको जाता हूँ तो आप देखेंगे जस्ट इसको ये क्रॉस किया है, तो आप एक दिन मंडे देख सकते हैं ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर ये नीचे की ओर जाता है तो फिर ये नीचे एक बार आपको वापस नीचे की ओर दिखाते हुए नीचे ले सकता है, और अगर ऊपर जाता है तो फिर वहां पे ऊपर भी जा सकता है। तो इसका जो अगर मैं ये पोजीशन देखो तो अभी जो ये खड़ा है, ये जो खड़ा डॉलर में अगर मैं इसकी बात करूँ, WTI डॉलर की बात करूँ, तो ये अपने 55.61 रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़ा है जो ऊपर से फॉल हुआ है, वो वहीं पे आकर के सपोर्ट लेता है। 55 मतलब 55 × 70 से आप कर लीजिए, अप्रॉक्स वही आता है। अगर 55 का सपोर्ट है इसका और × 71 करता हूँ मैं, तो अप्रॉक्स 3905 आता है। तो 55 का सपोर्ट के आसपास 3905 अगर क्रूड वहाँ पे बोले, तो यहाँ पे जो कि 3890 बोला आपको, तो वही 3900 ले लीजिए, 3900 के आसपास यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो 3900 अच्छा खासा सपोर्ट है इसको, हो सकता है ये 59.65 की ओर जाते हुए आपको दिखे। तो पहला टारगेट होगा 59.65, और अगर इसको क्रॉस करता है तो 63, तो ये डॉलर टर्म्स में है। और अगर मैं इसको 59.65 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 59.65 × 71 को, तो 4235 मैंने 4250 की ओर ये जाता हुआ आपको दिख सकता है, यहाँ से 4250 की ओर जा सकता है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जब ऑप्शन में दिखाऊं तो आप देखिएगा 4200 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी 150 का ओपन लॉट है, और यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है। अब 4100 पे भी हो रहा है, 4150 पे भी हो रहा है, 4200 पे भी हो रहा है। इसका जो प्राइस है अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 67.70, तो 100 की लॉट साइज होती है, लॉट साइज में 100 क्वांटिटी होती है, तो आपको 6770 रुपया यहाँ पे लगेगा। तो कोई भी चाहे तो कॉल पे क्रूड पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारे एजुकेशनल पर्पस है, समझिए सीखिए और काम कीजिए। मेरे बोलने से मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनाना है। तो 4200 के कॉल को 67 मिलता है, किसी कारण से वो फॉल होता है, तो आप उसको इसके 35 का स्टॉप लॉस लगाइए। 35 के स्टॉप लॉस से आप 4200 में बाइंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है 4200 पे विद स्टॉप लॉस 35, 35 के स्टॉप लॉस से 4200 को आप बाई कीजिए, और देखिए ये कहाँ जाता है। क्रूड में यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं हर यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है, और क्रूड 4000 के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। 676 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है लॉट्स का, और उसके बाद फिर 3900, तो 3900 4000 के नीचे जाना थोड़ा है, वहां अगर गया तो बाउंस बैक आएगा और सरप्राइज ऊपर की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर देखेंगे तो आप हर लेवल पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है, और ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग विद प्राइस एडिशन के साथ मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल में मेरा ओपिनियन है बाइंग का। अगर आप देखें तो ये मेजर जो दिख रहा है वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये ऊपर की ओर सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि ये 4250 की ओर जाते हुए आपको दिखे, और हो अगर जाता है तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे वीकली बेसिस पे
4,250 फिर 4,500 तक जाने का क्षमता रखता है ये, तो 4,500 भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल में बाइंग रिकमेंडेशन है, वीकली चार्ट बेसिस पे अपने को लग रहा है कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी खरीदारी आ रही है, और ऑप्शन चेन में जो इसमें वैल्यू बता रहा है उसके आधार पे भी क्रूड ऑयल में बाइंग पोजीशन दिखती है। तो मेरा ओपिनियन है क्रूड ऑयल में बाइंग के लिए, बट ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मार्केट किसी और भी जा सकता है, तो क्रूड में तेजी देखने को मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।